और बात करेंगे इलेक्शन कमिश्नर अराकीन की तैनाती के मामले पर। हुकूमत को मजीद 10 दिन की मोहलत मिल गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदा मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट की तौकीर बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुला ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन के दो अरकान तायुनाती केस की समाप्त हुई तो कौमी असेंबली के लीगल एडवाइजर ने बताया दो मेंबरानी इलेक्शन कमीशन पर तकरीबन इत्तफाक हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम वापस ले लिया और अब हुकूमत और अपोजिशन नए नाम देंगी। नून लीग के वकील जहांगीर जदू ने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर भी इत्तफाक से चले हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये खुशाइन बात है कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं हुई। पार्लियामेंट का तकद्दस और आइन की सरबुलंदी जरूरी है। अरकाने पार्लियामेंट जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं उनको आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। अदालत मामला आने से पार्लियामेंटेरियंस को मुंतखब करने वाले अवाम की बेतौकीरी होती है। मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत लीगी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी को चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती पर हुकूमत को मजीद 10 रोज की मोहलत देते हुए केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी है।